करनाल नगर निगम में पेरोल की नौकरी लेने के लिए लगभग 200 के आसपास जो सफाई कर्मचारियां वो लघु सचिवालय में पहुंचे और लघु सचिवालय में पहुंचकर यहां पर मांग की जा रही है कि उनके जो नौकरी है से निकाला गया उनको पेरोल पर दोबारा रखा जाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को पेरोल पर रखा जा रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों को तो रख लिया परंतु लगभग 200 के आसपास ये कर्मचारी नौकरी पर अभी तक नहीं रखे गए, जिसकी मांग को लेकर यहाँ पर लघु सचिवालय में पहुँचे हैं और मांग की जा रही है कि उनको दोबारा से पेरोल पर रखा जाए। फिलहाल आज डीसी महोदय ने इनको बुलाया था और दोबारा नौकरी पाने के लिए सभी ये प्रयास कर रहे हैं परंतु अभी तक इनको नौकरी नहीं मिल पाई। हम जानते हैं कि मामला क्या है सर, क्या किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मामला है, किसकी क्या चीज़ में? सर ये 1029 बंदे पैरोल पे जाने थे, ठीक है जी, उनमें से 797 कर्मचारी लिए गए हैं सर, बाकी अभी वंचित हैं पैरोल से, बिना नोटिस के इन्होंने बाहर किया हुआ है उन लोगों को, कोई नोटिस नहीं दिया, 8 महीने से गुमराह किया है। हमारी मांग यही है कि इनको जल्द से जल्द ड्यूटी पे लिया जाए। तो कब से कोरोना महामारी के अंदर इन्होंने काम किया सभी ने, तो मैं यही चाहूँगा कि यही निवेदन है सर से, डीसी साहब से भी और सरकार से भी कि भाई इनको ड्यूटी पे लिया जाए जल्द से जल्द। तो टोटल कितने कर्मचारी थे जिनको नौकरी पे? ये 1029 थे सर, 797 लिए गए हैं, अच्छा। बाकी वंचित हैं। तो पहले कितने थे? 797 कर्मचारी लिए गए हैं सर, 1029 थे मेन पावर पे जो काम कर रहे थे, अच्छा। तो उनको लेने का काम सरकार का था पैरोल पे, ठीक है जी, डीसी रेट पे मेन पावर में जो काम कर रहे थे उनमें से 797 कर्मचारी लिए गए हैं, बाकी वंचित हैं ऐसे कैसे, उनको कोई नोटिस नहीं दिया। क्या बताएगा, कमी क्या है? कमियाँ ठेकेदार की हैं या प्रशासन की हैं, जो कि इनके गैप हैं, समय पे मतलब इनका पीएफ नहीं डाला गया, तनख्वाह नहीं दी गई, ये कमियां हैं सर, ये कमियां बता करके इनको बाहर किया। ठेकेदार से मिले आप? ठेकेदार का तो हमारा कोई रोल ही नहीं है जी, अच्छा। जब ये पैरोल की प्रक्रिया चली ठेकेदार पे तो हम काम कर रहे थे, मेन पावर का जब सिस्टम चला ये मेन पावर पे जो बंदा काम कर रहा है उसको डीसी रेट दिया जाएगा, रेगुलर काम करते समय रेगुलर ही काम कर रहे थे ये लोग सभी, तो बिना नोटिस के उनको बाहर कर दिया प्रक्रिया चलते चलते। तो आप डीसी से मिले थे? हाँ जी मिले हैं, उन्होंने टाइम दिया हमारे को, अब बातचीत होगी, क्या होगी वो बताएंगे आप। उम्मीद है कि नौकरी पे रख लेंगे? देखो जी उम्मीद तो 8 महीने से गोली दे रहे हैं। क्या नाम आपका? सुरेंद्र है जी। ये थे सुरेंद्र, उनका कहना है कि डीसी ने आज बुलाया है और नौकरी के लिए बात की जा रही है परंतु फिलहाल अभी विश्वास नहीं है कि जिला प्रशासन नौकरी दे या ना दे, क्योंकि जो ठेकेदार की जो गलती है उसका भुगतान कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। 797 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है परंतु लगभग 200 के आसपास ये सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया पूरी मेहनत से लगन से परंतु उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, दोबारा उनको पेरोल पर नौकरी पर लिया जाए इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं परंतु अभी तक 8 महीने से वह सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनके परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा, इसको लेकर लघु सचिवालय में यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी महिलाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने बच्चों के साथ पहुँचे हैं ताकि नौकरी मिल जाए और घर का पालन पोषण हो सके। बहन जी क्या कहेंगे, किस लिए आप यहाँ, दिक्कत आ रही है कोई? हाँ जी दिक्कत आ रही है, घर वाला नहीं है मेरा, अच्छा। हाँ जी एक्सपायर हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है खर्चे में, कोई है नहीं आगे पीछे कमाने वाला। तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी हमें नौकरी मिलनी चाहिए, सारों को पेरोल पे लिया जाए। कब नौकरी आपकी चली गई थी? अगस्त में। अच्छा हाँ जी। तो क्या फिर प्रयास किया, किसी मिले आप? जी प्रयास कर रहे हैं सारे, एमसीओ के पास गए हैं और मेयर के पास भी गए हैं, प्रधानों के पास गए, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। तो आज किससे मिलेंगे अभी? डीसी से। क्या नाम आपका? मोनिका। तो ये थे मोनिका जिनका कहना है कि उनके परिवार है, बच्चे हैं छोटे छोटे परंतु नौकरी की जरूरत है और आज डीसी निशांत कुमार यादव से मिलेंगे और उसके बाद अपनी गुहार लगाएंगे कि उनको दोबारा से पेरोल पर रखा जाए परंतु अभी भी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल क्या सर क्या कहेंगे, आप भी आप आए हैं तो क्या दिक्कत आ रही है नौकरी ना मिलने से? ऐसे मेरा नाम सत्यावान है, तो 198 कर्मचारी जो पेरोल से वंचित रह चुके हैं वो कर्मचारी आज डीसी ऑफिस में यहाँ पे पार्क में बैठे हैं और डीसी साहब ने हमें टाइम दे रखा है, आज शुक्रवार का दिन अभी मिलने का, अगर इसमें डीसी साहब अच्छा आश्वासन हमें दे देते हैं सभी कर्मचारियों को तो उनका वेलकम है, धन्यवाद है उनका, अन्यथा ये लड़ाई जारी रहेगी अगर जो हमें कोई आश्वासन अच्छा नहीं मिला तो, हो सकता है ये लड़ाई ज़्यादा कड़ा रुख बदल ले, तो ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना है
भाई जल्दी से जल्दी इन 198 कर्मचारियों की सुनवाई की जाए, क्योंकि मेन पावर में ठेके पर थपे काम कर रहे कर्मचारी 1029 कर्मचारी मेन पावर में काम कर रहे थे। डीसी की मोहर पे 1029 कर्मचारी मेन पावर पे के जो काम कर रहे थे वो आना था पेरोल पे, तो उसके आधार पे 757 कर्मचारी पेरोल पे लिया गया, उसमें से 198 कर्मचारी पेरोल से वंचित कर दिया गया सिर्फ उनको गैप दिखा के। और ये जो गैप आया ये अधिकारी और प्रशासन और जो यूनियन अपने कर्मचारी हैं इन्हीं की बदौलत है। ये जो ठेकेदार है हमारे बगड़ बिल्ले ये है, इनकी गलती का भुगतान करना पड़ रहा है इनका। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कितने दिन से आप नौकरी ये ठेकेदार जो है ये चार चार बगड़ बिल्ले थे यहाँ पे, आज 8 महीने हमें हो गए हैं, हम दर बगड़ भटक कर रहे हैं। भाई भगवान जब मुंह उसने लगा दिया तो खाने को भी नहीं वाला, वो देगा कहीं ना कहीं से किसी न किसी से ब्याज से है, किसी से PFESI थोड़ा बहुत कुछ होता, क्योंकि कंटिन्यूज PFESI तो इन्होंने डाला नहीं है, उसके कारण आज कर्मचारी दर बदर की ठोकरे खा रहा है। हमने मेरा नाम सत्यावाना, दो दो तीन तीन महीने पहले भी हमने अल्टीमेटम दिया था अधिकारियों को, भाई हमारा PFESI वगैरह कंटिन्यू डाला नहीं गया, जिसके कारण हमें दुविधा आ सकती है, हम पेरोल पे ना जाएं। तब भी उन्होंने जानबूझ के ये ऐसा कार्य किया है। और ये जानबूझ के क्या, जो मार्शल कॉम थी, जो जिस वक्त इन्होंने संघर्ष किया लड़ाई लड़ी है इसकी पेरोल पे आने के लिए, उन्हीं को ठेकेदारों ने टॉर्चर किया है, जिसके कारण ये वंचित रह गए पेरोल से। और जो पानी मारने वाले थे, जो वैसे काम करते थे, जो हड़ताल पे कहने पे भी नहीं आते थे, वो आज पेरोल पे जा चुके हैं। तो ये है कहीं ना कहीं ठेकेदार की गलती या कर्मचारियों की मनमानी के चलते इनको यहाँ पर धक्के खाने पड़ रहे हैं और परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लगभग 200 के आसपास जो सफाई कर्मचारी हैं वो पेरोल पर नौकरी लगने के लिए यहाँ पर आए हैं, डीसी ने बुलाया था और उनकी जो प्रॉब्लम है घर चलाना बड़ी मुश्किल से, उन्होंने बताया कि उनको नौकरी मिलेगी तभी उनका घर चल पाएगा। करनाल से KCRA पंजाब KCRA TV।